आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र सीमलेस कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिस कंपनी का अराउंड 55% मार्केट शेयर है सीमलेस पाइप्स इंडस्ट्री के अंदर। तो पहली बात तो सीमलेस पाइप्स जो होती हैं उसकी कैटेगराइजेशन अगर मैं बात करूं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारे सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर ये पाइप्स यूज होती हैं, प्लस जो आपके BPCL, IGL, HPCL जो गैस पाइपलाइंस डाल रहे हैं उसके अंदर ये पाइप्स यूज होती हैं। प्लस इसकी एक बहुत बड़ी US और कनाडा के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट भी है। तो इस कंपनी की जो कैटेगराइजेशन है तीन सेक्टर्स के अंदर, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्केल पे कंपनी इस टाइम काम कर रही है, क्योंकि अगर नेट डेट फ्री कंपनी जो होगी वो अगर डेट के बिना काम कर रही है और कंपनी की कैश पोजीशन अच्छी खासी स्ट्रांग हो, जो कि अराउंड 400 करोड़ से ऊपर का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, प्लस कंपनी के एबिटडा मार्जिन अगर 17-18% पे ट्रेड कर रहे हो और पैट मार्जिन 12-13% पे हो, तो मुझे लगता है एक अच्छा स्केलेबल बिजनेस बन सकता है। और कंपनी ने ये बोला है कि उनके जो केपेक्स चल रहे हैं जो कि 800 करोड़ से ऊपर के हैं, उस पे कंपनी को जो डेट की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो कंपनी जितना भी केपेक्स कर रही है वो अपने कैश अक्रूवल से कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। प्लस कंपनी को जो ऑर्डर बुक आ रही है हमारे सीएनजी गैस सिलेंडर से, जो कि हमारी टाटा हुंडई की गाड़ियों में यूज़ होती है सीएनजी, वो भी काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है। प्लस कंपनी को जो अपने B2B बिजनेस से बाकी सेगमेंट से कस्टमर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे कि IGL, जैसे कि HPCL, जैसे कि BPCL, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। प्लस कंपनी की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी अच्छी खासी इस टाइम चल रही है। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट के अंदर आप ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई कर ले जो कि एक निश कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाते हों और मार्केट के अंदर उनके सप्लायर्स जो हैं वो काफ़ी कम हो, तो आप एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाते हैं जहां पे आप अपने मार्जिन्स को बचा सकते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर आप अगर नोटिस करेंगे कि जहां पे आपके कंपटीशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हो, तो जैसे ही मार्केट के अंदर स्लो डाउन होता है तो उनके मार्जिन्स पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। और अच्छी कंपनी वही होती है जो इस सिचुएशन के अंदर भी अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रखे और इन्वेस्टर कम्युनिटी को क्लियरली बोल दे कि थोड़ा बहुत तो धंधे के अंदर दिक्कत चल रही है, लेकिन धंधा जो है वो सस्टेनेबल चल रहा है। तो मैं इस कंपनी को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, आप भी इस कंपनी को फर्दर नोटिस करें। थैंक यू।